जय श्री कृष्ण। आज इस अंक में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में भगवान द्वारा माता देवहूति को महदादी और अन्य विभिन्न विभिन्न जो तत्व हैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन बताया है। भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, अब मैं आपको इस प्रकृति के विभिन्न तत्वों और उनके लक्षणों के बारे में बताता हूं कि जिसे जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह ज्ञान आत्मदर्शन कराने वाला है। यदि मनुष्य इस प्रकृति को जान लेता है, आत्मदर्शन हो जाते हैं, तो वह मोक्ष का कारण है। और इसी प्रकार से यह प्रकृति का दर्शन हृदय ग्रंथि के अहंकार को छेदने वाला है। और इसके बारे में भगवान कहते हैं कि यह जो संसार है, यह संपूर्ण जगत है, यह जिससे व्याप्त और प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह पुरुष कैसे हैं? वह अनादि हैं, निर्गुण हैं, स्वयं प्रकाश हैं, प्रकृति से परे हैं और अंतःकरण में स्फुरित होने वाले हैं। इस प्रकार संसार में व्याप्त पुरुष द्वारा अपनी लीला और विलासपूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक जो वैष्णवी माया है उसको स्वेच्छा से स्वीकार किया। त्रिगुणात्मक का मतलब यहाँ पे है सात्विक, राजस और तामसपूर्ण। भगवान कहते हैं कि इस माया को, वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार किया और इस सत्व आदि गुणों से इस पूरे विश्व को उसके अनुरूप लीला प्रकृति तो अपने सत्व आदि जितने गुण हैं उनके अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। और उस सृष्टि की रचना को देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली, ढकने वाली जो माया है उसकी आवरण शक्ति से वह मोहित हो गया। वह पुरुष यह समझने लगा कि वह प्रकृति के जो द्वारा किए गए कार्य हैं और उनके द्वारा जो कर्म है वह कर्म अपने को ही वह कर्ता मानने लगा। कर्ता के अभिमान के कारण ही जो अकर्ता है, जो स्वाधीन है, जो साक्षी है और जो आनंद स्वरूप पुरुष है उसको जन्म मृत्यु रूप बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। इस कार्य कारण शरीर, इंद्री और कर्ता रूप जो इंद्रियादि अधिष्ठाता हैं, उन देवताओं में जो पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। और वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख और दुख भोगने का कारण मानते हैं। ये जो विशेषताएँ हैं इस प्रकृति की संरचना से पूर्व समझने में थोड़ा कठिन रहती हैं, लेकिन मनुष्य अपने आप को इस प्रकृति का कर्ता मानता है, सबसे प्रमुख कठिनाई तब आती है। तो इस प्रकार की बातों को जो भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से की, इसे सुनकर देवहूति माता कहती हैं, हे प्रभु, इस विश्व के जितने सूक्ष्म और स्थूल कार्य और जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, यत्त्रिगुणमव्यक्तम नित्यम सदा सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर विशेषम विशेषवत्। जो त्रिगुणात्मक है, जो अव्यक्त हैं, जो नित्य हैं और जो कार्य कारण रूप हैं तथा जो स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है उस प्रधान तत्व को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति की व्याख्या भगवान ने यहाँ पे बताई और प्रकृति की व्याख्या के बाद भगवान कहते हैं कि पांच महाभूत, पांच तन्मात्राएं, चार अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पांच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पांच महाभूत हैं।
पांच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच प्रकार की तन्मात्राएं हैं। और दस इंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत्र है, त्वचा है, चक्षु है जो जिसे हम देखते हैं, रसना जीव की हम बात करते हैं, नासिका गंध लेने के लिए, वाक पानी, पाद उपस्थ और वायु। इसी प्रकार जो मनुष्य के अंतःकरण में हैं चार चीजें, वो कौन सी हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या करता है? मन संकल्प शक्ति धारण करता है और बुद्धि निश्चय लक्षण वाली होती है, चित्त चिंता के लिए और अहंकार अभिमान रूप के लक्षणों से लक्षित होता है। या मन बुद्धि चित्त अहंकार की यह चार प्रकार की वृत्तियां हैं, जिसमें हमने कहा कि मन संकल्प के लिए, बुद्धि निश्चय के लिए है, चित्त चिंता के लिए है और अहंकार अभिमान रूपा है। इस प्रकार तत्वज्ञानी जो पुरुष हैं, इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के जो सन्निवेश स्थान हैं, इन 24 तत्वों की संख्या बताई, क्योंकि इन्हीं 24 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, ऐसा जानकार लोग बोलते हैं। और इसके पश्चात भी एक ऐसा तत्व है जो 25वां तत्व है, और वह 25वां तत्व कुछ लोग इसे काल मानते हैं, अर्थात ईश्वर की जो संहार कारणी शक्ति है उसको बताते हैं। और जो व्यक्ति इस शरीर को, इस कार्य रूप देह में आत्म तत्व का अभिमान करके कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस अभिमान रूप से, इस अहंकार से मोहित होता है और अपने को ही कर्ता मानता है, वह व्यक्ति उस काल रूप से हमेशा निरंतर भयभीत रहता है। तो भगवान आगे कहते हैं, हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा के गुणों की साम्यवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, यानी प्रकृति सर्वप्रथम साम्यवस्था में थी, उस प्रकृति में जो गति पैदा करने वाला जो तत्व है, जो अवयव है, जो उस प्रकाश है, वह प्रकाश वास्तव में जो पुरुष रूप भगवान हैं, वह ही काल है। अर्थात इस जीवन, इस मनु प्रकृति में 24 तत्व और एक तत्व काल का मानकर 25 तत्वों से इस यह प्रकृति व्याप्त है। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से बाहर और अंदर व्याप्त है, वही तत्व भगवान है और वही तत्व 25वां तत्व है। भगवान कहते हैं कि अंतःपुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्म मायया, उसी तत्व को ही भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के रूप में, प्रकृति की जो स्वरूप है उसके बारे में भगवान स्पष्ट करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो भगवान कहते हैं कि जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृश्य बस क्षोभ को प्राप्त हुई, क्योंकि एक ऐसी माया है जो कि कार्य कारण रूप माया है, क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना से पूर्व न दृष्टा था और न दृश्य था, सब अव्यक्त था। तो उस अव्यक्त जो स्थिति थी उसमें एक कारण कार्य रूप जो माया है वह व्याप्त थी। तो भगवान ने उस माया में चित शक्ति रूप वीर्य का आधान किया, जो आधान करने के उत्पन्न बाद उत्पन्न हुआ उसे महत तत्व कहा गया। भगवान की चित्त शक्ति रूप वीर्य के आधान के पश्चात महत्व तत्व, तेजोमय महत्व तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। दैवात्यक्षुभित धर्मेण्याम स्वश्याम यो नौ परः पुमान आधत्त वीर्यम सासूत महत्तत्वम हिरण्मयम। तो इस प्रकार महत्व तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, महत्व तत्व की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को इस प्रकार लय और विक्षेप आदि से रहित जगत के
अंकुर रूप इस महत तत्व ने अपने में स्थित इस पूरे विश्व को प्रकट करने के लिए इस प्रकार लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत तत्व ने अपने में स्थित जो विश्व है उसको प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को जो आच्छादित करने वाली प्रलयकारी अंधकार है उसको अपने तेज से समाप्त कर लिया और उसको अपने तेज से पी लिया। विश्वमात्मगतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुर स्वतेजसा पिबत तीव्र मात्म प्रस्वानम स्वतेजसा पिबत तीव्र मात्म प्रस्वापनम तमह। उस अंधकार को महत तत्व ने अपने तेज से पी लिया। और महत तत्व क्या है? वह एक सत्वगुणमय है, स्वच्छ है, शांत है और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप है। और वह क्या है? चित्त है और वही महत तत्व है और उसी महत तत्व को वासुदेव कहते हैं। और अध्यात्म में इसे चित्त कहा जाता है और अधिभूत में इसे महत्व कहा जाता है। और चित्त के जो अधिष्ठाता हैं वह चित्रज्ञ और उपास्य देव हैं वासुदेव। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पूर्ण रूप से व्याख्या की है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? तो अध्यात्म में इसे चित्त कहते हैं और अधिभूत में इसे महत्तत्व कहा जाता है और उसी को वासुदेव कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य जो पदार्थ हैं उसके संसर्ग से पूर्व जो जल है वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहता है, जिसमें कि स्वाभाविक अवस्था उसकी फेन आदि तरंग आदि रहती हैं, तो उससे रहित जो रहता है स्वाभाविक अवस्था में वह अत्यंत स्वच्छ है, विकार शून्य है। और जिस प्रकार से शांत रहता है उसी प्रकार से अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से महत्व तत्व दृष्टि से स्वच्छत्व और अविकारत्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया। तो इस महत्व तत्व का क्या लक्षण है, इस चित्त का क्या लक्षण है? तो भगवान इस चित्त के लक्षण के लिए बताते हैं कि वह स्वच्छत्व है, सबसे स्वच्छ है, विकारहीन है, विकार नहीं है उसमें, अविकारक तत्व है और शांत है, परम शांत है। तदंतर भगवान कहते हैं कि इस वीर रूप जो चित्त शक्ति के द्वारा जो महत्व तत्व उत्पन्न हुआ उस महत्व तत्व के विकृत होने पर जो क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार है उसकी उत्पत्ति हुई। महत्व तत्व के विकृत होने पर ही अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार महत्व तत्व के उपकृत होने पर जो उत्पन्न हुआ उसके तीन भेद बताए गए हैं, जो कि एक वैकारिक है जो कि सात्विक अहंकार जिसे हम कहेंगे, दूसरा है तेजस अहंकार जिसको हम राजस अहंकार भी कहें, और तीसरे प्रकार का अहंकार है तामस अहंकार। और उस वैकारिक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, उस मन की उत्पत्ति के साथ जो तेजस अहंकार था उस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई जिसमें कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां रहती हैं। इसके बाद जो तामस अहंकार है उस तामस अहंकार ने तन्मात्रा को उत्पन्न किया जो सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द है उसको उत्पन्न किया। भगवान कहते हैं जो सात्विक राजसिक और तामसिक अहंकार है उन तीनों से उत्पन्न मन इंद्रियां और तन्मात्रा इन तीनों का जो समुच्चय है इन तीनों का जो समावेश है उसको संकर्षण नामक जिनके सहस्र सिर हैं उन्हें अनंत देव कहते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? इस माया में भगवान द्वारा चित शक्ति रूप वीर का आधान करवाया गया, उसके बाद शांत स्वच्छ और अविकार रूप महत्व तत्व की उत्पत्ति हुई। उस महत्व तत्व की उत्पत्ति के बाद उसकी जो विकृति थी उस विकृति से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार के तीन भेद बताए गए जिसमें कि सात्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के उसके भेद बनाए। उन तीन भेदों से मन
इंद्रियां और तन्मात्रा रूप सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान आगे कहते हैं कि अहंकार का देवता इंद्रिय रूप से करणत्व और सत्वादि बच्चभूत से कार्यतत्व लक्षण उत्पन्न हुए, अर्थात इस अहंकार की प्रवृत्ति के कारण ही कार्यतत्व लक्षण, करणतत्व और कर्तत्व अर्थात अधिभूत पैदा हुए। कार्य कैसे होगा? पंचभूत इंद्रियों के विषय उत्पन्न हुए, कारण उत्पन्न हुआ, अध्यात्म उत्पन्न हुआ जिसमें 10 इंद्रियां और एक मन 11 तत्व उत्पन्न हुए, और कर्ता उनके अधिदैव यानी कर्तत्व जो कि इंद्रियादि अधिष्ठाता हैं और जो मन के कारण हैं वो उत्पन्न हुए। अर्थात इस प्रकृति में क्या कार्य है? कार्य इस प्रकृति का कारण क्या है? इस प्रकृति का जो कर्ता है वह क्या है? वह इस अहंकार की वैकारिक तेजस और तामस अहंकार से उत्पन्न हुआ। अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव तीन ताप इस संसार में हमेशा व्याप्त रहते हैं। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही बोला गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन त्रिविध तापों को हरने वाले इस विश्व की उत्पत्ति स्वरूप शांत भगवान श्री कृष्ण की हम शरणागत होते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि रचना में महत तत्व के विकृत होने के कारण अनेक प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। उन अहंकार से कर्तत्व, कारणत्व और साथ साथ में कार्यत्व लक्षण उत्पन्न हुआ, और इन सभी के अधिष्ठाता रूप प्रकट हुए। और हमने जिस प्रकार देखा था कि चित्त के अधिष्ठाता जो हैं क्षेत्रज्ञ हैं, उसके उपास्य देव वासुदेव हैं, इसी प्रकार से मन के अधिष्ठाता चंद्रमा हैं, उसके उपास्य देव अनिरुद्ध हैं, बुद्धि की अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं और उसके उपास्य देव प्रद्युम्न हैं, अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं, उसके उपास्य देव संकर्षण हैं, मन के जो उपास्य देव हैं वो हैं अनिरुद्ध जी। तो भगवान इस प्रकार आगे बताते हैं कि योगी जन धीरे धीरे अनिरुद्ध जी को प्रसन्न करते हैं और मन को वशीभूत करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार भगवान कपिल देव माता देवहूति को प्रकृति के कारण रूप के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि कर्तत्वम करणत्वम च कार्यत्वम चेति लक्षणम शांत घोर विमूढ़त्वम मितिवाशादहंकृते शांत घोर विमूढ़त्व मितिवाशादहंकृते वैकारिकाद्विकुर्वाणान् मनस्तस्तत्व मजायत यत्संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः यद्विदुर ह्यनिरुद्ध्याख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम सारंदेन्दी वरश्यामम संद्राध्यम योगिभिशनहे। तो इस प्रकार मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान अनिरुद्ध की उपासना योगीजन करते हैं, ऐसा भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को बताते हैं। इस अध्याय के भाग को हम अगले अंक में पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण।